वो जो दिल पे बीतती है ना, वो जिसके साथ होता है वही जानता है। सिंगल मदर ही नहीं, सिंगल पुरुष भी बहुत कुछ समस्याएं होती हैं। जो हमारा इम्पैक्ट जो है ना, वो बच्चों के ऊपर जरूर आता है। मेरे को ना कुछ लेडीज ने सिंगल मदर पे कमेंट किया था कि वो क्या क्या चैलेंज फेस करती हैं, उस पर एक वीडियो बनाइए। मेरा चैनल चैलेंज तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस दिखाए नहीं जाते और बहुत सारे बता भी दिए जाते हैं। तो मेरे पास तो मेरी फैमिली है, कभी चैलेंज में फंसती हूँ तो वहाँ मैं अपना मतलब बता देती हूँ तो सॉल्व हो जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम। कुछ हद तक होती है कि जो मेरी पर्सनल है, जो मैं सबके सामने मतलब नहीं वो कर सकती। तो अब चैलेंज की बात करें तो वो सिंगल लेडी हो या सिंगल मतलब सिंगल पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के साथ ही होती है। अगर कोई एक आपका साथी बिछड़ जाए या डाइवोर्स हो जाए, डाइवोर्स होने पे जेंट्स का क्या होता है कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे नहीं हैं तो चलो अपना अपना हो जाता है, लेकिन बच्चे हैं तो उधर भी होता है उनको भी, मतलब दोनों की लाइफ वो तो डाइवोर्स वाली बात तो अलग ही है। क्योंकि मेरे को जब जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैं उस चीज़ को ज़्यादा वो करूँगी, वो एक्सपीरियंस है, उसमें भी शायद दोनों की लाइफ बर्बाद तो होती है, फैमिली बर्बाद होती है और बच्चों को भी सफ़र करना पड़ता है। लेकिन इस वाले में भी कुछ हद तक है कि आपका एक तो जीवन साथी इतने सालों से साथ रहे, और देखिए एक बात तो कड़वा सच है, आप बोलोगे ऐसे बोल रहे हो, जब हम किसी भी हस्बैंड की वाइफ की डेट ऑफ बर्थ साथ साथ तो है नहीं, एक ही दिन तो आता नहीं है जन्मदिवस। बच्चों के कभी कभी मिल जाते हैं, एनिवर्सरी से बच्चों के मिल जाते हैं, या माँ का जन्म बच्चों के से, हस्बैंड की बहुत रेयर होगी, हस्बैंड वाइफ की। तो अब जब साथ साथ आए नहीं तो साथ साथ जाएंगे कैसे? बहुत कम होते हैं वो कि जो साथ साथ जाते हैं या साथ साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। कई लोग ऐसे बोलते हैं हम तो साथ घूमते हैं, सुना है मैंने, और हम तो एक ही साथ जाएंगे, मतलब गाड़ी में घूमते हैं। ऐसा नहीं होता, मेरे और शर्मा जी जितना पेट्रोल भरवाने भी मेरे को साथ लेके गए थे और लेके जाते थे पेट्रोल भरवाने तक, क्या मतलब पड़ोस में कहीं भी जाना हो साथ पैदल लेके जा, पैदल भी लेके जाते थे हर, तो क्या साथ चले गए? जब आपको अकेले ही आना है तो अकेले ही जाना है, तो ये जो स्ट्रगल है ये भी अकेले ही करना है। तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। एक तो एक संभालने वाला, जैसे कहते हैं ना कि या तो स्त्री घर पे रहती है, वो घर पे रहती है, उनको कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या चल रहा है, उनके दायरा एक अपने घर तक बच्चों तक बस इतना रहता है, तो उनका दायरा अपने बच्चे पति और उनकी फैमिली आसपास वहीं तक रहता है, ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है। क्योंकि मैं खुद बताऊँ, जब ये हुआ, बीमार तो थे ठीक है, 1% भी दिल में 1% भी ख्याल नहीं आया था कि कुछ ऐसा तेरे साथ हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। क्योंकि तब तक तो डेथ होती थी, तो हो रही है सबकी हो रही है आपस में, मतलब आपस में अगर कोई यंग भी गए हैं, बहुत गए हैं, हमारे खुद के रिलेशन में चाचा जी गए थे, खुद के मतलब मामा जी का बेटा भी गया था, हो रही है। लेकिन जब बिल्कुल अपना कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ रह रहा हो, जो आपके मतलब साथ हो, तो वो पूरी दुनिया हिल जाती है। तो वही हुआ मेरे साथ कि तेरे साथ ये क्या हो गया। उसके बाद मुझे कहने के लिए कि भैया आप लोग हैं, मेरी बहुत सारी समस्याएं थी, बैंक की प्रॉब्लम थी, पोस्ट ऑफिस की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी थी, तो मैं तो चैनल पे बोल दिया, जो बाहर की प्रॉब्लम है वैसी प्रॉब्लम थी जिसमें वो सब आप लोग सॉल्व, मतलब आपकी जान पहचान निकल आती है और एकदम खड़े रहते हैं फैमिली की तरह, तो उसमें हम कह सकते हैं। लेकिन जो स्त्रियाँ, सबके पास तो सारी सोशल मीडिया उपलब्ध नहीं है, या सब पे कौन यकीन करेगा या कौन कुछ करेगा, और तो इसीलिए अब जैसे शर्मा जी जब हॉस्पिटल में थे तो उस टाइम सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास फैमिली थी मेरी, तो वो कर्जा मतलब इधर उधर से करके पहले लिया, फिर बाद में उसको चुकाया, तो सब मतलब सब उतर गया वो कर्जा। लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं जो स्ट्रगल करती हैं, हस्बैंड की किसी के डेथ में चले जाते हैं या कोई डाइवोर्स होता है,
पैसा खर्च होता है, कहीं फंस जाती हैं, कुछ भी होता है, तो वो नहीं कर पाते। उस टाइम पे सिचुएशन में मानसिक स्थिति को संभालना, घर के काम को संभालना, बच्चों को संभालना, रोटी का जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो शर्मा जी भगवान माँ गंगा की इतनी थोड़ी सी मतलब कृपा है इतनी कि इतना वो यहाँ हम रह मेरे को यहाँ छोड़ के गए और मेरा कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हमारा जुगाड़ है कि हम दो रोटी खा सकें। तो सबके पास नहीं होता, बहुत सारी लेडीज़ हैं, मैं कई लेडीज़ को जानती हूँ ऐसे, मेरी कहानी तो आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं एक कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा समस्या कब आती है, जब आपके बच्चे हस्बैंड से बच्चे ज़्यादातर आपको पता है मम्मी से वो घर की बातें शेयर कर लेते हैं, घर में कहीं कुछ शोर मचा के आए, कहीं कुछ उल्टा काम करके आए तो वो मम्मी को कहते हैं ताकि वो पापा से बचा लें। लेकिन करियर से लेके जो डिस्कशन होते हैं, जो बाहर, क्योंकि बाहर की दुनिया पापा ने ऑब्वियसली होता है कि जेंट्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, एक लड़के को बचपन से ही निकाल दिया जाता है, वो धक्के खा के कि भाई तुम ये सामान लाओ तुम लाओ, तो वो इतना ट्रेंड हो जाते हैं हर चीज़ में, वो ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं, लड़कियों को इतना नहीं निकाला जाता, ये प्रैक्टिकल सच है। तो अब क्या होता था, अब क्या, मैं अपनी मतलब ये वाली बात मैं अपनी शेयर कर रही हूँ कि शिवांगी, जैसे शिवांगी का मैं लगाती हूँ, कैनेडा में थी, किसी जॉब से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, आपको पता है शर्मा जी मतलब फैसिलिटी मैनेजर रहे हैं, अच्छी उस पर रहे हैं, और फिर भी एक पिता को एक्सपीरियंस होता है, वो दस ऐसे लोग होते हैं तो वहाँ से शेयर करते हैं वो बातें आपस में, ऐसे उनके यही ज़्यादातर इस तरीके के भी डिस्कशन होते हैं, तो वहाँ वो शेयर करती थी अपने पापा से बातें, पापा ये करूँ वो करूँ या ये करूँ ये नहीं करूँ, तो वो घंटों घंटों बातें करते थे, शेयर करते थे। अब है नहीं कोई ऐसे, अब माँ को उस लायक कभी ना, माँ के पास उतना एक्सपीरियंस ना, माँ को उस तरीके से अपनी, वो सोचते हैं कि मम्मी की अपनी समस्याएं और ये चीज़ तो मम्मी को पता ही नहीं होगी, और वाकई जो अब वो ऑफिस जाते थे वो एक्सपीरियंस मेरे पास कहाँ होगा जो उनके पास था, मेरे पास एक अलग घर का एक्सपीरियंस है जो उनके पास नहीं था, जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी बच्चों के स्ट्रगल होते हैं, बच्चों के अभी जैसे दिया है, अब बड़ी जैसे 12th में जाएगी, क्या करेगी पापा, खैर शर्मा जी थोड़े से वो हो गए थे बाद में कि क्या कहते हैं, जो इसको करना है वो करेगी, मैं मतलब ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं डालूंगा, पर मेरे लिए तो एक टेंशन है कि बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा। बच्चे से पूछते हैं, बच्चा कुछ मान लो जवाब ना दे, बच्चे कहाँ जाएगा कॉलेज में, अब सब लोग, आप लोग भी सब बताते हैं, फिर भी स्टिल कन्फ्यूज कि एक फादर जो होते हैं वो डिसीजन वन साइड ले लेते हैं, उसमें शाह हो चाहे सफ़ेद हो कुछ भी हो, तो भैया अपने उसने किया, अब कुछ गलत हो जाएगा, बच्चा तुमको तो पता ही नहीं था, तुमने किया ये तुम्हारी वजह से, पापा होते तो ये होता, पापा होते तो वो होता, तो और क्या होता है, बच्चे की मेंटल स्थिति ना बहुत डिफरेंट हो जाती है। आप दिया कुछ इतना देखते हो ना, हंसी मजाक करती है, मैं उसको खाने से बहला लेती हूँ, आप देख रहे हो उसका वेट भी थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन मैं अभी, मैंने कहा समय बिल्कुल ठीक कर लेगा, बहुत चेंज हुआ है, खैर अभी ठीक भी हो रही है, धीरे धीरे समय के साथ साथ ठीक भी हो रहा है, पर अंदर जो उथल पुथल बच्चों के मची होती है ना, वो या तो मैं जानती हूँ या बच्चे ही अपने आप जानते हैं, क्योंकि मेरे भी चल रही होती है सिंगल पेरेंट्स, अब मेरे को तो टेंशन एक अलग है कि बच्चों के फ्यूचर का भी देखना है, बच्चों की शादियाँ भी करनी है, कमाना भी है, घर में खाना भी बनाना है, अब हर चीज़ के लिए तो नौकर वोकर नहीं रख सकते हैं। पति होता है तो दो बातें थी, शेयर कर लेते थे हम आपस में कि भाई शेयर करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, एक दूसरे का दुख हल्का कर लेते हैं। खैर मेरे पास माँ गंगा है, मैं जब भी ना, मेरा, मैं बताऊँ आपको, ज़्यादातर मेरा ना अब अकेले बैठने का मन करता है, बहुत बार कि कई बार बातें कर रहे होते हैं, मैं अकेले यहाँ पे बैठ के इनको सुनूँ और सारी अपनी कह दूँ, हर चीज़ बच्चे से नहीं कही जाती। बस इतना बात कहना चाहूँगी कि जीवन आपका है, इसको चाहे हंस के गुजारो, चाहे रो के गुजारो, चाहे इसको मतलब कलेश करके घर में रखो, चाहे खुशी रखो, तो आपको ही भुगतना है वो जो करना है। खुशी खुशी सहन करते रहोगे, खुशी खुशी मतलब सब कुछ, सारी कठिनाइयाँ होता नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कहने की बात अलग है कि हम इतना वो करते हैं, आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम
क्या कहते हैं मेंटली स्ट्रोंग हैं, हम स्पोर्ट्स में हैं, हम साधना करते हैं, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं। जब प्रैक्टिकल अगर बच्चे को एक खरोच भी आ जाए या घर में कुछ जरा सा हो जाए तो जो दिल पे बीतती है ना, वो जिसके साथ होता है वही जानता है। तो ये सब बातें जब आपके सामने प्रैक्टिकल होती हैं तब पता होता है। और एक ना एक दिन फिर बोलोगे भाभी ऐसे बोल रहे, एक ना एक दिन सबके साथ प्रैक्टिकल होना ही है। हस्बैंड की शादी भी कर दी जाती है, हमारे सामने लेडीज़ के भी एग्जाम्पल हैं और हस्बैंड के भी एग्जाम्पल हैं। हमारे मतलब मेरी मम्मी के उधर ही शादी की, और शादी के बाद क्या हुआ, मतलब किसी ने बेटी थी उनके एक, और बेटी इतनी इंटेलिजेंट, बच्चा पूछो मत। पर उस टाइम की बात है जब मैं ये भी 50 साल की होने वाली हूँ, तो 50 साल पहले की बात है, वो बच्ची तो मेरे से और 8-10 साल बड़ी थी, तो और पुरानी बात है। उसकी मम्मी को किसी ने बोल दिया कि मतलब उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने कि बेटा नहीं है ये, तो ऐसी है वैसी है। उन्होंने जाके ट्रेन के नीचे अपने कट वो कर लिया। कितनी अच्छी लाइफ गुजर रही थी, इतने अच्छे हस्बैंड थे, इतनी अच्छी बेटी थी, लेकिन एक उसने लाइफ बर्बाद कर दी। उसके बाद बेटी हो गई थी उनकी 15-20 साल की, अब जेंट्स से काम नहीं होता घर में, जबकि बेटी काम कर लेती थी, पर दादी थी उनको लगा और रिश्तेदारों को लगा कि शादी कर देनी चाहिए, शादी कर दी। अब माँ दूसरी अच्छी नहीं आई, माँ अच्छी नहीं आई, पापा को तो साथी मिल गया, अब बच्चा कहाँ जाएगा, पापा के पास भी बच्चे के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चा किससे कहे ये बातें। बच्ची बड़ी हुई, धीरे धीरे घर का सारा काम बच्ची करती थी, खाना भी बनाती थी, इंटेलिजेंट इतनी कि फर्स्ट आती थी वो। इतना सब कुछ करने के बाद भी दादी जब तक रही तब तक सपोर्ट रहा, फिर कौन साथ रहता है, दादी भी चली गई। बच्ची की शादी कर दी, बच्ची की शादी भी पता नहीं, बच्चा कई बार होता है ना कि हमारे पुराने जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, वो बच्ची तरसती तरसती दुनिया से चली गई। मतलब पूरा परिवार खत्म, खराब हो गया। ऐसी जगह पे भी वहाँ पे कुछ हो गया। अब ऐसी ही एक स्त्री है, यहाँ पे एक लेडी है जो कि मैं पार्लर चलाती है, नाम तो मैं लूँगी नहीं, वैसे मैंने दिखाया भी नहीं उनको। उनके जीवन में भी थी वंस डाइवोर्स थी, बेटा है, वो छोटा बेटा है, बहुत 10th में पढ़ता है, और बेटे को जाना है 12वीं के बाद मम्मी के पापा के पास, कि पापा के पास जाएगा, ये सोच के उन्होंने शादी कर ली कि शादी कर लेती हूँ, भैया मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा, अपना मेरे काम में हाथ बटा देंगे मेरे। आगे क्या हुआ, वो धोखेबाज निकला, वो पैसे के लिए आया कि सिंगल मदर। ऐसे बहुत होते हैं ऐसे। मेरे को शर्मा जी एक बात बोलते थे कि जब मैं चला जाऊँगा तो तेरी ढाल हट जाएगी, सोच लेना मैं तेरी ढाल हूँ, चाहे मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो साथ बैठे हैं, साथ पति, चाहे पति आपका आप ज़्यादा स्ट्रोंग हो, पर पति साथ में बैठा है तो लोगों को लगता है साथ में बैठा है, भाई इसका पति है। तो मेरा वो तो धोखा हो गया उसके साथ भी, फिर डाइवोर्स हो गया दोबारा से, फिर अपने चला रही है। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा क्यों, जब एक बार तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है तो क्यों इन लफड़ों में पड़े। देखो बहुत सारों की अच्छी भी चल रही है, लेकिन जो सिंगल मदर सारी समस्याओं से जूझते हुए एक उसको निकलना, मैं सोनिया के बेटे को हस्बैंड भी आ गए थे उसके, बाद में आए वो कहीं बाहर वो गए हुए थे उधर, मतलब जॉब पे वो थे तो मेरे पास ही बैठी हुई थी सोनिया। अब उसके बेटा जिम में था तो पता चला कि हाथ टूट गया, मैं गाड़ी में मैं गई उसके साथ। इतने में हस्बैंड को भी बता दिया था कि वो भी आ गए फिर पीछे पीछे। तो जब मैं उनको छोड़ के आई ना रात को 10:30 बजे मैं वहाँ से आ रही थी, तो अगर वो दिया होती तो अलग था। तपोवन में मैंने पहली बार ऐसे खुले में बियर वियर लोग लेते हुए देखे, और मैं गाड़ी में थी, मुझे इतना डर लगा था अभी भी सोचो, और दिया होती तो वो डर दुगना हो जाता, लेकिन दिखाया नहीं क्योंकि दिखाते तो और खुले रोड पे ऐसे, वो उनकी गली में जो थी ना गली, मैंने आपने दिखाई, मैंने वीडियो दिखाया था, उस गली में कहीं से पता नहीं आए थे और ऐसे बियर लेके घूम रहे थे आराम से। तो बाहर के लोग थे, यहाँ के नहीं थे, यहाँ के भी हो सकते हैं लेकिन वो लोग बाहर के थे क्योंकि गाड़ी तभी आके रुकी थी। अब नंबर भी नहीं बताऊंगी फिर आप कहेंगे ऐसे ब्लेम करते हो। तो एक डर होता है कहीं अकेले जाने में, कहीं जंगल में जाने में। पहले हस्बैंड होते थे साथ में चले जाते थे, पहले सामान लाने चले जाते, रात बिरात कितनी भी लेट आ जाते हो। अब खुद की भी वो करनी पड़ती है और उससे ज़्यादा बच्चों की करनी पड़ती है, स्पेशल बेटियों की करनी पड़ती है, और ध्यान रखना पड़ता है बच्चों की मेंटल स्थिति इसमें ज़्यादा बिगड़ती है। हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि हम अपनी समस्याओं में अलझ के रह जाते हैं, क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा होता है, हम फिर भी मैच्योर हैं, हम फिर भी थोड़ा सा वो करके रह जाते हैं, लेकिन
जो हमारा इम्पैक्ट जो है ना वो बच्चों के ऊपर जरूर आता है, ये बात आप नोटिस कर लेना। हमारा मूड जैसा रहेगा ना, हमारी जो एनर्जी रहेगी वो बच्चों को जरूर कनेक्ट करेगी, बच्चों पे जरूर आएगी। तो देखिए, प्रॉब्लम अपनी है, हंस के गुजारो या रो के गुजारो। दुनिया तो कहेगी, अगर हंस के गुजारोगे तो कहेंगी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है पति के जाने के बाद। अभी वो नीतू सिंह के हस्बैंड वो बाहर आ गई, क्या करें, उसके हस्बैंड ने काम नहीं करने दिया, नहीं करने दिया क्योंकि साथ थे, मेरे को भी नहीं करने दिया था, शर्मा जी ने बनाया था, लेकिन अब वो फिल्म स्टार है, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन घर में एक अकेलापन होता है, ध्यान साधना बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे करते हैं तो 24 घंटे मतलब उसमें भी नहीं रह जाता ना कि ध्यान। अब वो काम करने के लिए आ गई है तो लोग कह रहे हैं देखो मरने के बाद बहुत खुश है। कोई अगर रोता रहेगा तो बोलेंगे रोता रहता है ये, तो चल इससे बात नहीं करते हैं। तो अपना जीवन है उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से करिए। स्ट्रगल बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो सारा काम पुरुष करते थे वो सारा काम एक स्त्री को करना पड़ता है। और एक बात बता दूं, एक स्त्री बहुत अच्छे से निभा सकती है, और चाहे कोई भी हो, हमारे यहाँ मेड भी है, उनके भी हस्बैंड गए थे शर्मा जी के साथ। और ज़रूरी नहीं है कोरोना में किसी का हार्ट अटैक आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वाइफ चली जाती है, हस्बैंड चले जाते हैं, तो वो भी तो काम वाली, वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। कभी भी जीवन है ये, इसमें ये जब सब कुछ नश्वर है तो हमें भी ख़त्म ही होना है एक दिन। तो हम जो साथ ना कुछ साथ आए हैं लेके ना साथ जाएंगे, तो ना कोई हमारा सबसे अच्छा साथी हमारा शरीर है। और देखिए ये जिम्मेदारियाँ, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छा साथी आपका अपना शरीर है, आपके अंदर जो है उसको अनुभव कीजिए, तो आपके सारे काम आगे से आगे होते जाएंगे। मेरे पास माँ गंगा है, मैं सच कहती हूँ, मैं और शर्मा जी पहले उधर बैठते थे, मैं दिखाती हूँ वहाँ पे उस वाले उस पे, रात को जाके बहुत अंधेरा रहता था, अभी वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है तो यहाँ पे अंधेरा रहता है। और मैं सारी की सारी, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो, कभी भी आप आओ ना, आप यहाँ के सारी भड़ास निकाल दो, चुपचाप बैठे बैठे आप चुपचाप सुनाते रहो, वो चुपचाप सुनती रहेंगी और आपका मन हल्का हो जाएगा। सच में बहुत कुछ कहने सुनने को है, अगर इनको मानोगे ना, इनको नदी ना मान के एक माँ मानो, कि अपनी माँ को देखिए, अपने जो जन्म की माँ उनको हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कह सकते, उनको दुख होगा। माँ ये माँ मतलब हमारे सबकी माँ है, तो यहाँ हम अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, रो लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब धीरे 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 सब ठीक होता है। और मैं जितनी भी लेडीज़ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत सारी हैं, उनसे यही कहूँगी संयम और धैर्य बना के रखें, जब बुरे दिन आए हैं तो भगवान अच्छे दिन भी देगा। आपके बच्चे बड़े होंगे, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़रूर काम आएगी। और आप स्वयं में अपना अच्छा रास्ता प्रशक्त कीजिए। बहुत सारी लेडीज़ क्या होती हैं, किटी ज्वाइन कर लेती हैं, पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं, तो आप जैसे उसमें जाओगे वैसे आपके विचार आएंगे, बुरी बात नहीं है वो, लेकिन आप कुछ अपने को ध्यान साधना में रखिए। अब मैं फिर कह देंगे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं भाभी जी, थोड़ा स्पिरिचुअल उसमें जाइए, भगवान अपने आप आपको रास्ते दिखाते चले जाते हैं, सारे द्वार खोलते जाते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। सिंगल मदर ही नहीं, सिंगल पुरुष भी बहुत कुछ समस्याएं होती हैं। और फिर कह रही हूँ, रो के गुजारोगे तो भी आपको ही गुजारनी है, हंस के गुजारोगे तो भी आपको ही गुजारनी है, कोई दूसरा तो आपका बस सुन लेगा आपकी बात, पीछे से बात बना लेगा, करना तो आपको ही है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, और ये सबकी माँ हैं। कभी यहाँ पे आके बैठिए ध्यान से, आरती में लोग बैठते हैं, बैठिए, आरती में भी बैठना जरूरी है, पर यहाँ भी आके चुपचाप शांति से बैठिए और जो भी अपने अंदर की भड़ास है ना, सब कुछ निकाल दीजिए। देखिए मन इतना हल्का होगा, और सच में ये सुनती है, बिल्कुल सुनती है, इनको माँ मान के करोगे ना तो ये सब कुछ सुनेंगी और आपको तुरंत सोल्यूशन भी दे देंगी। ये नहीं है कोई चमत्कार करेंगी, आपके आगे वो सोल्यूशन होगा, आपको उस टाइम नज़र नहीं आएगा, ये प्रत्यक्ष रूप से आपको आपकी ध्यान उस तरफ कर देंगी। हर हर गंगे, हर हर महादेव।